إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل ذلالة في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

तमाम नबियों पर खूसा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन आज जुमा का दिन है और जुमा का दिन बहुत ही अफजल और मोहतरम दिन है लेकिन उम्मत का एक बड़ा तबका है जो इस दिन के फजाइल उसकी अहमियत से नावाकिफ है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज जुमा के खुतबे में जुमा के दिन की अहमियत क्या है उसकी फज़ीलत क्या है जुमा के अहकाम और मसाइल क्या हैं इस पर किताब सुन्नत की रोशनी में गुफगू की जाए लिहाजा मैंने आज जुमा के ख़ुतबे में योम जुमा के फ़ाइल अहकाम और मसाइल पर गुफगू करने का इरादा किया है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली मुझे ख़ुद भी और आप तमाम हजरत को भी जुमा के फ़ाइल को समझने की और उस पर उसको हासिल करने की तोफी इनायत फरमाए। यो जुमा के अहकाम और मसाइल को समझने की और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिस करने की अल्लाह हम सब को तोफीक इनायत फरमाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगली उम्में योम जुमा की फ़जीलत से महरूम रखी गई अल्लाह ताला ने यहूदियों को मौका दिया लेकिन उन लोगों ने जुमा के बजाय बजाए सनीचर का इंतखब किया लिहाजा वो जुमा की फ़जीलत से महरूम रहे ईसाइयों को भी अल्लाह ने मौका दिया लेकिन उन लोगों ने जुमा के बजाय इतवार को मनतखब किया इसलिए वो लोग भी जुमा की फजीलत से महरूम रहे लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की रहनुमाई फरमाई अल्लाह ताला ने जो बहुत सारे एहसानात इस उम्मत पर किए हैं उसमें से एक एहसान ये है कि जुमा का दिन हमें दिया प्यारे वसल्लम फरमाते हैं कि पहला दिन हमें मिला यहूदियों को एक दिन बाद और नसरानियों को दो दिन बाद मिला इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि हफ़्ते की इब्तदा दिन की इब्तदा जुमा से होती है क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ लफ्ज़ों में कहा कि पहला दिन हमें मिला दूसरा यहूदियों को मिला तीसरा नसरानियों को मिला लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कैलेंडर में पहले इतवार लिखते हैं और आखिर में सनीचर लिखते हैं हमें चाहिए कि हम जुमा को अवलियत दें जुमा के फजाइल का एहतमाम और उसका उसकी इख्तस की वजह से क्योंकि अल्लाह के नबी नबीम की यह सही हदीस है तो जुमा की फजीलत से अल्लाह ताला ने हम सब को माला माल फरमाया अगर अल्लाह तबारक वाली इसकी तरफ रहनुमाई न करता तो हम इस फजीलत को हासिल नहीं कर सकते थे जुमा के दिन की जो फजीलत है इसके बहुत सारे इसबाब हैं जिसमें से कुछ इसबाब मैं आपके सामने बयान करूंगा इन हजरत आदम साम की तो तखलीक इसी दिन हुई अल्लाह तला ने जुमा के दिन हजरत आदम सलाम की तख्लीक फरमाई जुमा के दिन ही हजरत आदम सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया जुमा के दिन ही हजरत आदम सलातम को जन्नत से निकाला गया जुमा के दिन ही हज़रत सलाम की दुआ कबूल हुई जुमा के दिन ही हजरत आदम सलाम की वफात हुई ये तमाम बातें सही हदीस से साबित हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वलम ने फरमाया, कयामत भी जुमा के दिन कायम होगी जब जुमा का दिन आता है तो इंसान और जन्नात ये दो मखलूक के अलावा तमाम मखलूक अल्लाह से डरती रहती है गुरूब आफ्ताब तक कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ही के दिन क़्यामत कायम हो जाए लेकिन इंसान और जिन्नात इससे महरूम हैं हमें इस बात का एहसास नहीं होता है इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूक जुमा के दिन अल्लाह के खौफ से डरती रहती हैं कि कहीं क़्यामत नाक़ायम हो जाए इसी तरीके से अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि ये अय्याम है तमाम दिनों में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर दिन है आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन दिनों में सूरज तुलु होता है उनमें सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है सही हदीस से ये बात साबित है फित्र और ईद अजहा से भी बेहतर जुमा का दिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की फजीलत में ये हदीसें फरमाई हैं सब सही हैं वो मशहूर वाकया एक यहूदी आलिम हजरत उमर बिन अल्लाह तआला तैाल के पास आया और उसने कहा कि तुम्हारी कुरान में एक आयत है अगर वो आयत हमारे यहाँ होती तो हम उसको ईद का दिन बना लेते है तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तहों ने कहा वो कौन सी आयत है कहा अल अकमल तो लकुमदी नकुम आत्म तोमती व रजी तो अदीना है तो उमर बिन ख़ताब रजी अल्लाह तु ने फरमाया कि मुझे मालूम है यह आयत कब नाजिल हुई अरफा का दिन था जुमा का दिन था अल्लाह के नबी मैदान अरफात में खुतबा दे रहे थे ऑलरेडी पहले से हमारे लिए ईद का दिन है जुमा का यह दिन फितर और ईद अजहा के दिन से भी अफजल है बेहतर है लेकिन इसके बावजूद भी उम्मत का एक बड़ा तबका जुमा की अहमियत और उसकी फजीलत से नावाकिफ होने की बुनियाद पर या गफलत की बुनियाद पर इन फजाइल को हासिल करने की कोशिश नहीं करता इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी है उस घड़ी में उस वक्त में जो भी मोमिन बंदा अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता ये तमाम फजाइल जुमा के दिन हैं इसलिए हमें जुमा की अहमियत को और उसके फजाइल को समझने की ज़रूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज के लिए बड़ी ताक़द फरमाई है जुमा की नमाज फ़र्ज है अल्लाह तला ने फरमाया कि जब तुमको जुमा की नमाज के लिए पुकारा जाए इजा नू दिया इला बाई। जब तुमको जुमा की नमाज के लिए बुलाया जाए तो तुम जुमा के लिए दौड़ पढ़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पढ़ो और खरीदो फरोख्त तो छोड़ दो मालूम यह हुआ कि जुमा के दिन अव्वल वक्त में आना चाहिए जुमा की अजान के बाद खरीदो फरोख्त करना सही और दुरुस्त नहीं है लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका अजान हो जाती है खुतबा होने लगता है लेकिन अपनी दुकानों में ऑफिसों में कंपनियों और कारखानों में बैठ करके जुमा की फजीलत को खो देता है इसलिए जुमा की अजान से पहले मस्जिद में आना चाहिए उसके क्या फजाइल हैं इन आगे बात आएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई सिर्फ चार किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे जुमा की नमाज़ की फर्जियत साकित है ये चार लोग अगर जुमा के दिन नहीं आ सकते हैं तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन इसके अलावा अगर कोई जुमा की नमाज में हाजिर नहीं होता है तो वो गुनहगार होगा सबसे पहला शख्स ग़ुलाम जो किसी की गुलामी में है अब उसका मालिक उसको इजाज़त नहीं देता है इसलिए वो जुमा की नमाज़ के लिए हाजिर नहीं होता है पहले ज़माने में ग़ुलामी का दौर चलता था ऐसा गुलाम जो किसी मालिक के मातहत में हो अगर जुमा के दिन नहीं आया तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा इसी तरीके से छोटे बच्चे जो अभी बलुकत को नहीं पहुंचे हैं सिंध शोर को नहीं पहुंचे हैं उनके ऊपर जुमा वाजिब नहीं है फ़र्ज नहीं है अगर आते हैं अलहदुल्लह नहीं आते हैं तो उनको गुनाह नहीं मिलेगा इसी तरीके से औरत औरत के ऊपर भी जुमा फर्ज नहीं है अगर अल्लाह तबारक तआला ने औरत के ऊपर जुमा फर्ज किया होता तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे जिस पर गुफ्तगू करना फिलहाल हम मुनासिब नहीं समझते हैं अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर जुमा फर्ज नहीं किया है लेकिन इजाजत है कोई भी खातून अगर जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में आना चाहती है उसके लिए मस्जिद के दरवाजे खुले हैं वो जुमा की फजीलत हासिल कर सकती है लेकिन कोई खातून अगर ये समझे कि जुमा के दिन हमको जाना है ज़रूरी है फर्ज है अपने घर के कारोबार को छोड़ करके अपने शोहर की नाफरमानी करके आती है तो यह गलत है इसलिए कि जुमा की नमाज औरत पर फर्ज नहीं है इसी तरीके से चौथा शख्स वो है जो बीमार है मरीज है चल नहीं सकता है मस्जिद तक नहीं आ सकता है ऐसे मरीज़ और बीमार के लिए भी जुमा की रुखत है ये सही हदीस से साबित है इसी तरीके से वर्मा का इत्तेफाक है कि मुसाफिर आदमी अगर सफर में है वो भी अगर जुमा की नमाज मिल गई उसको पढ़ लिया तो अच्छी बात है अगर उसको नहीं मिली जुमा की नमाज नहीं पढ़ सका तो उसके लिए जुमा की नमाज़ माफ है वो जहां भी है जहर की नमाज पढ़ ले तो इस तरीके से जुमा की नमाज की अहमियत मालूम हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गफलत की वजह से सुस्ती और काहली की वजह से तीन जुमा छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं आज बहुत सारे लोग लगातार जुमा छोड़ते रहते हैं जिस तरीके से नमाजों को कोई अहमियत नहीं देते हैं जुमा को भी कोई अहमियत नहीं देते मजबूरी है अल्लाह माफ करेगा लेकिन सुस्ती की वजह से गफलत की वजह से अगर कोई आदमी जुमा की नमाज में हाजिर नहीं होता है तो उसका अंजाम ये होगा कि अल्लाह तबारा उसके दिल पर मोहर लगा देगा इसी तरीके से जुमा के आदाब अल्लाह के नबी ससर ने फरमाए जुमा के जुमा का दिन ये मोहतरम दिन होता है अफजल दिन होता है इसलिए अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि जुमा के दिन आदमी को गसल करना चाहिए गुसलो यौमिल जुमा आते वाजिब उन अलाकुल्ल महतलिमिल प्यारे नबी ने फरमाया हर बालिक के ऊपर जुमा के दिन गुसल करना फ़र्ज़ है वाजिब है एक हदीस में आप ससर ने फरमायाद ये अतीय जुम आता फलीग जो शख्स जुमा की नमाज के लिए आए उसको चाहिए कि वो पहले गसल कर ले इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि गसल वाजिब है फलीगत तसल अम्र का सेगा है और अम्र वजूब पर दलालत करता है इसलिए अल्लाह के नबी सल्लम ने बालग मुसलमान पर जुमा के दिन गसल करना वाजिब करार दिया है हित अब्दुल्ला अब्बास रजी अल्लाह से इराक़ के कुछ लोगों ने पूछा कि क्या जुमा के दिन गसल करना वाजिब है तो हैत्दुल्ला अबन अब्बास रजी अल्लाह तहों ने कहा वाजिब तो नहीं है लेकिन इसके वजूब को अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्यों फरमाया ये मेरे जहन में है पहले ज़माने में लोग ऊनी कपड़े पहनते थे मोटे छोटे कपड़े पहनते थे मेहनत मजदूरी का काम करते थे हमाली का काम करते थे एक दिन का वाकया है लोग अपने कारोबार में लगे हुए थे मोटे और ऊनी कपड़े पहनने की वजह से सख्त गर्मी की वजह से उनके बदन से पसीने निकल रहे थे और ऊनी कपड़े की वजह से पसीने में बदबू थी मस्जिद भी छोटी और तंग थी जब वो सहाबा मस्जिद की नमाज नमाज में नमाज के लिए मस्जिद में आए तो उनके जिस्म से जो पसीने की बदबू फूट रही थी एक दूसरे को तकलीफ़ हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाए आपने भी उनके पसीने की बदबू को महसूस किया और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजा आरादा احدكم ايات الجمعه فليغتسل तुम में से कोई शख्स जब जुमा की नमाज के लिए आए तो उसको चाहिए कि वो गुस्ल कर लिया करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल को वाजिब करार दिया था उस वाक़े के पसे मंजर में लेकिन अब हालात बदल चुके हैं ये हजरत अब्दुल्लाह अबिन अब्बास रजी अल्लाह तु का फरमान है अब हालात बदल चुके हैं कपड़े मोटे झोटे नहीं सॉफ्ट हो गए हैं और मस्जिद भी कुशादा हो गई है और मुसलमानों के काम में भी पहले के मुकाबिल में अब आसानियाँ हो गई हैं लिहाजा गुसल करना वाजिब तो नहीं है लेकिन मुस्तहब है अगर कोई आदमी गुसल कर लेता है तो बेहतर है लेकिन अगर किसी को कोई गुजर है तो कोई हरज नहीं है तमाम वाकयात को नकल करने के बाद मुहदसिन ने लिखा है कि जुमा के दिन गसल करना अफजल और बेहतर है अल्लाह कि कोई शराय उजर हो इसी तरीके से प्यारे नबी वसम ने फरमाया कि जुमा के दिन खुशबू का इस्तेमाल किया जाए ज्यादा लोगों की वजह से कसरत की वजह से एक दूसरे से लोगों को तकलीफ होती है तो खुशबू का इस्तेमाल किया जाए आप ने फरमाया कि तेल का इस्तेमाल किया जाए जुमा के दिन खुशबूदार तेल लगाएं खुशबू लगाएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के अहकाम और उसके मसाइल का जिक्र करते हुए फरमाया कि बाद में आने वाला लोगों की गर्दनों को फलांग करना आए अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करता है तो वो लघु काम करता है वो गुनहगार होगा यहां मैं आपको ये बात बता दूं कि दो तरफ से भी गलतियां हैं कुछ लोग पहले आने के बावजूद भी पीछे बैठते हैं और आगे की सफ़े खाली रहती हैं और कुछ लोग बाद में आने के बावजूद भी आगे आने की कोशिश करते हैं दूसरों की सफ़ों को फ़लांग करके दोनों गलती कर रहे हैं हमें चाहिए है कि जो पहले आते हैं पहली सफ़ में बैठें जो बाद में आते हैं बाद में बैठें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जुमा के दिन आता है उसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए किसी के गर्दन को फलांग कराना ये सही नहीं है हाँ अगर किसी को कोई मजबूरी है जो नीचे नहीं बैठ सकता है कुर्सियों पर बैठने वाले हैं अगर वो पीछे बैठ जाते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है अल्बत्ता आम लोगों को आना आगे आना ज़रूरी है इसी तरीके से आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जुमा के दिन गुसल करता है अव्वल वक्त में मस्जिद में आता है अल्लाह उसको कितनी तोफीक दिया वह नवाफिल का अहमाम करता है इमाम से करीब होकर बैठता है खामोशी के साथ खुतबा सुनता है अल्लाह ताल उसके गुनाहों को माफ कर देते इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने जुमा के दिन गुसले जनाबत की तरह गुसल किया अवल वक्त में मस्जिद में आया जितना अल्लाह ने उसको तोफीक दी थी उसने नवाफिल का अहतमाम किया इमाम से करीब होकर बैठा खामोशी के साथ खुतबा सुना तो वो जुमा की नमाज के बाद जब निकलता है तो उस जुमा से लेकर के इस जुमा तक जितनी गलतियां थी अल्लाह माफ कर देता है एक हदीस में अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये काम करता है तो आपने फरमाया कि उस जुमा से लेकर के इस जुमा तक और मजीद तीन दिन अल्लाह ताला उसकी गलतियों को उसके गुनाहों को माफ कर देता आप सोचें कि जुमा के दिन की फजीलत क्या है या जुमा के दिन की हाजिरी की फजीलत क्या है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुसल करता है अव्वल वक्त में आता है गुसल जनाबत की तरह गसल करता है खुशबू का इस्तेमाल करता है अव्वल वक्त में आता है आपने फरमाया कि उसके एक कदम पर एक साल के रोजों का सवाब मिलता है एक कदम पर एक साल के रोजों का सवाब मिलता है एक कदम पर एक साल के कयामुल कयामलैल का सवाब मिलता है कितनी फजीलत है इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स महरूम है तो उसकी किस्मत फूट गई है इसलिए हमें जुमा की नमाज के लिए अव्वल वक्त में आना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन अव्वल वक्त में आने की कोशिश करो जो शख्स पहले आता है पहली घड़ी में आता है उसको एक ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलता है जो दूसरी घड़ी में आता है उसको एक गाय कुर्बान करने का सवाब मिलता है उसके बाद जो तीसरी घड़ी में आता है उसको एक दुंबा स्वाब करने कुर्बान करने का स्वाब मिलता है उसके बाद जो आता है उसको एक मुर्गी कुर्बान करने का स्वाब मिलता है उसके बाद की घड़ी में जो आता है उसके उसको एक अंडा कुर्बान करने का स्वाब मिलता है यह सही हदीस है इससे मुराद यह नहीं है कि यह पांच आदमी सिर्फ मोहतरम हैं यहां घड़ी मुराद है ऐसा नहीं है कि ये पांच लोग जो पहले आए हैं उनको ये फजीलतें मिल जाएंगी छठा आदमी महरूम रहेगा नहीं यहां से पहली घड़ी दूसरी घड़ी तीसरी घड़ी मुराद है इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन होता है तो मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते रजिस्टर लेकर बैठ जाते हैं जुमा के दिन हाजिर होने वाले लोगों का नाम लिखते हैं जो पहले आता है उसका नाम पहले नंबर पर लिखा जाता है जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है बेतरतीब लिखा जाता है आगे आने वाले का पीछे या पीछे आने वाले को आगे नहीं किया जाता है और यह सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि इमाम मिंबर पर नहीं बैठ जाता है प्यारे ने फरमाया कि जब इमाम मिंबर पर बैठ गया तो वो फरिश्ता जो दरवाजे पर रजिस्टर लेकर आने वालों का नाम लिख रहा था वो अपने सहीफे को समेट देता अपने रजिस्टर को बंद कर देता है और वो खुतबा सुनने के लिए मह हो जाता वो फरिश्ता जो लोगों का नाम लिख रहा था उसने खुतबे की तजीम में खुतबा सुनने के लिए अपने रजिस्टर को बंद कर दिया यह सही हदीस है लेकिन इंसान इतना मोहतरम हो गया है उसको खुतबे की कोई अहमियत नहीं मालूम यह हुआ कि इमाम के मिंबर पर बैठने के बाद अजान शुरू होने के बाद अगर कोई शख्स मस्जिद में आता है तो जुमा के रजिस्टर में उसका नाम नहीं रहेगा जुमा के रजिस्टर में उसका नाम नहीं रहेगा इसलिए कि इमाम के मिंबर पर बैठने के बाद वो दफ्तर बंद कर दिया जाता है रजिस्टर बंद कर दिया जाता है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में आए पहले मस्जिद पढ़े जुमा के दिन पहले कोई सुन्नत नहीं है आदमी अपनी तौफीक के मुताबिक खुतबा शुरू होने से पहले जितना चाहे नफिल पढ़ सकता है सुन्नत नहीं है अलबत्ता दो रकत मस्जिद वाजिब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे आप खुतबे के दौरान आपने एक शख्स को देखा कि वो मस्जिद में आया और दो रकात मस्जिद पढ़े बगैर बैठ गया आपने खुतबे के दौरान उस शख्स से पूछा क्या तूने दो रकात नमाज पढ़ ली है उस शख्स ने उस सहाबी ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ने फरमा कुम फसल ली रकल खड़े हो जाओ दो रकात नमाज पढ़ो दूसरी हदीस में आए हलतः गी और रजी ताला मस्जिद में आए नबी का खुतबा चल रहा था और वो दो रक़त तैयतल मस्जिद पढ़े बगैर बैठ गए प्यारे नबी सरमा कुम फसल ली रकल खड़े हो जाओ दो रकात नमाज पढ़ो और आपने फरमाया कि दो रकात नमाज अगर खुतबे के दौरान पढ़ी जाए तो उसको मुख्तसर करना चाहिए मुखफ करना चाहिए इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि मस्जिद वाजिब है वरना खुतबे के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को खड़े करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देते यहां मैं आपको एक मसला और बताते चलो कभी कभार ऐसा होता है कि इमाम मिंबर पर बैठ चुका है मौजिन अजान दे रहा है कोई शख्स ऐसी सूरत में मस्जिद में आता है इससे पहले भी मैं ये मसला बता चुका हूँ शायद हो सकता है किसी को याद हो किसी को ना याद हो आज मौका है फिर दोबारा ये मसला बता देना चाहता हूँ अगर कोई शख्स इस हाल में मस्जिद में आया कि अजान हो रही है तो उसको अजान खत्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि दो रकात रका तहियतुलमस्जिद पढ़ लेनी चाहिए अजान का जवाब देना सुन्नत है खुतबा सुनना वाजिब है खुतबा सुनना वाजिब है वाजिब सुन्नत से बढ़कर है इसलिए दौरान अजान दो रकात रका तहियतुलमस्जिद पढ़ लेना और खुतबा बैठ कर आराम के साथ सुकून के साथ सुनना ये नबी का हुक्म है लेकिन अगर कोई इस हाल में आया है कि अजान हो चुकी है खुतबा शुरू हो चुका है तो भी उसको दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़नी है इन दोनों हदीसों की रोशनी में मैं भी कहता हूं कि हमारी इस मस्जिद में अगर कोई शख्स आके बैठ गया है उसने तहयतुल मस्जिद नहीं पढ़ी है तो वो खड़े हो जाए और दो रकात तहयतुल मस्जिद पढ़ ले इसलिए कि ये नबी का हुक्म है नबी की सुन्नत है इसी तरीके से अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया खुतबे के दौरान खामोशी अख्तियार करनी चाहिए कोई आदमी आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकता है अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको टोकना भी सही नहीं है हो सकता है हमारी इस मस्जिद में कोई शख्स ऐसा हो जो गलत हरकतें कर रहा हो या बच्चे गलत हरकतें कर रहे हो खुतबे के दौरान उनको मना करना भी सही नहीं है आप सोच लें कि गलत काम पर टोकना सही नहीं है तो आपस में गुफ्तगु करना गलत काम करना कैसे सही हो सकता है इसलिए खुतबे के दौरान आपस में गुफ्तगु ना करें खुतबे के दौरान कंकरियों से ना खेलें खुतबे के दौरान कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे जुमा के सवाब से महरूम हो जाए बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि खुतबे की अहमियत और फजीलत को नहीं समझते हैं बाज बिगड़े हुए नौजवान भी हमारे दरमियान हैं। हमें ये रिपोर्ट वसूख जराए से मिली है कि कुछ लोग मस्जिद के कोनों में बैठ करके नउूज बिल्ला गेम भी खेलते रहते हैं कुछ लोग हैं जो मोबाइल पर चैटिंग भी करते रहते हैं कुछ लोग हैं जो खुतबे के दौरान गुफ्तगु भी करते रहते हैं ये तमाम चीजें मना है खुतबे के दौरान इस तरह की दुनियावी बात करना बिल्कुल सही नहीं है हाँ इमाम को अगर जरूरत है तो वो किसी से मुखातब होकर गुफ्तु कर सकता अभी जो हदीस मैंने आपको सुनाई अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो आकर के मस्जिद में बैठ गया आपने उससे की आपने उससे पूछा तू ने नमाज पढ़ ली है कहा नहीं आपने फरमाया खड़े हो जाओ इमाम खतीब जरूरत के वक्त किसी से कुछ पूछ सकता इसमें कोई हरज नहीं लेकिन आम लोगों का सामीन का आपस में बातें करना सही नहीं है इसी तरीके से जुमा की वो मुबारक घड़ी जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया कि उस वक्त जो दुआ की जाए अल्लाह तला दुआ कबूल करता है इस सिलसिले में बहुत सारे अकबाल हैं जिसमें से दो हदीसें बड़ी अहम हैं सही मुस्लिम की एक हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खतीब जब मिंबर पर बैठता है उस वक्त से वो घड़ी शुरू होती है और जब नमाज खत्म हो जाती है इसके दौरान वो घड़ी है खतीब के मिंबर पर बैठने से नमाज खत्म होने के दौरान वो घड़ी है और वो घड़ी बहुत मुख्तर है उस वक्त जो भी दुआ की जाए कबूल हो जाती है ये सही मुस्लिम की हदीस है सोना अबू दाऊद की एक हदीस है पहले वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन बारह घडियां हैं बारह घडियां हैं उन घड़ियों की अपनी अलग अलग अहमियत है उसमें से एक घड़ी ऐसी है कि उस वक्त जो दुआ की जाए अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है और सुन नबू दाऊद की रवायत में इस बात का जिक्र है कि वो घड़ी दिन के आखिरी एयाम यानी असर के बाद से मगरिब से पहले कुछ देर पहले वो घड़ी है इन हदीसों को न, लिखने के बाद पढ़ने के बाद मोहद्दसिन ने दो बातें लिखी हैं जो बड़ी अहम है इन दोनों वक्तों में मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज खत्म होने तक कसरत से दुआ का अहतमाम करना चाहिए और असर के बाद से लेकर के मगरिब तक ये वक्त में भी दुआ का एहतमाम करना चाहिए इसमें एक बात जो समझ में आती है वो ये कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने क़द्र को लोगों से लोगों के दिमाग से हटा लिया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करें इसी तरीके से उस घड़ी को भी लोगों के दिमाग से हटा लिया गया ताकि इस दिन कसरत से दुआओं का एहतमाम करें इसलिए जुमा के दिन कसरत से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए हर घड़ी को अपने लिए फजीलत की घड़ी समझना चाहिए जुमा के नमाज के बाद सुन्नत प्यारे नबी के बारे में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के बाद घर चले जाते थे और दो रकात नमाज पढ़ते थे यह आपका अमल है लेकिन आपने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन जुमा के बाद सुन्नत पढ़ना चाहे फलस अरबान तो वो चार रकात पढ़े ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है अगर उसको जल्दी है तो दो रकात मस्जिद में पढ़ ले दो रकात घर में पढ़ लें ये भी अल्लाह के नबी वसल्लम का हुक्म है इसलिए अफजल और बेहतर है कि आदमी जुमा के बाद चार रकात सुन्नत पढ़े बाज़मा ने लिखा है कि अगर वो मस्जिद में पढ़ता है तो चार रकात पढ़ेगा लेकिन अगर घर में जाके सुन्नत पढ़ता है तो नबी की सुन्नत के मुताबिक दो रकात भी पढ़ सकता है बाज लोग जुमा के दिन रोजे के लिए और जुमा की रात में क्याम के लिए खास करते हैं यह सही नहीं है जुमा का दिन अफजल दिन है लेकिन जुमा के दिन को रोज़े के लिए खास करना जुमा की रात को क्याम के लिए खास करना सही नहीं है अलबत् अगर किसी की आदत है अयाम बीस के रोज़े रखता है हर महीने की तेरह चौदह पंद्रह अरबी तारीख को और उस दौरान जुमा भी है आप रोज़ा रख सकते हैं अरफा का दिन रोज जुमा के दिन आ गया आप रोज़ा रख सकते हैं आशूरा का दिन जुमा के दिन आ गया आप रोज़ा रख सकते हैं सौ में दाऊदी एक दिन रोजा रखना एक दिन छोड़ना जुमा के दिन आ गया आप रख सकते हैं जुमा को खास करके रोजा रखना यह सही नहीं है अगर कोई जुमा के दिन खास करके रोजा रखना चाहता है तो आपने फरमाया कि उसको चाहिए कि जुमेरात को भी मिला ले या हफ्ते को भी मिला ले जुमा के दिन सूर्य कहाफ की तिलावत करना अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया जिसने जुमा के दिन सूर्य कहाफ की तिलावत की जहां वो है उस जगह से लेकर के बैतुल्ला तक इतनी दूर तक उसके सामने रोशनी फैल जाती है एक हदीस में अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया अगर कोई शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो इस जुमा से लेकर के अगली जुमा तक उसके सामने नूर फैल जाता ये है यह दोनों हदीसें सही हैं प्यारे नबी वसल्लम ने जुमा के जो फजाइल और अहकाम बताए हैं उसमें यह भी है आपने फरमाया कि जुमा का दिन अफजल दिन है जुमा के दिन मेरे ऊपर कसरत से जरूर पढ़ा करो नबी वसल्लम पर कभी भी दरुद पढ़ सकते हैं लेकिन जुमा के दिन खसूसी तौर पर नबी वसल्लम ने दरुद पढ़ने का हुक्म दिया है इसलिए हमें जुमा के दिन कसरत से आपके ऊपर दरूद पढ़ना चाहिए दरूद का जो सिस्टम हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल वगैरह के बाद इलाकों में अहल बिरात ने ईजाद किया है इसका शरीय से कोई ताल्लुक नहीं है जुमा के बाद बहुत सारे लोग मस्जिद नबोई की तरफ रुख करके खड़े हो जाते हैं और अपनी ज़ुबान में सलात सलाम पढ़ते हैं इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है बल्कि आप जहां भी हैं जिस हाल में भी हैं जहां घर में मस्जिद में कहीं भी आप दरूद का एहतमाम करते रहें अल्लाह मसलिलहम्म वाल महमद क़मा सल तै इब्राहिम वालब्राहिम इनका हमद व मजीद और मबारकल महमद वाल महमद क़माबारक ताल इब्राहिम आलि इनका हमद व मजीद इसकी बड़ी फजीलत है पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूर सजदा पहली रकात में और दूसरी रकात में सूर्य दाहर की तलावत किया करते थे ये सुन्नत है ये साबित है इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में पहली रकात में सूर्य आला रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हलता का गाशिया पढ़ा करते थे इसी तरीके से एक रवायत में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूर्य जुमा और दूसरी रकात में सूर्य मुनाफिकून पढ़ते थे जुमा की नमाज में कोई हर्ज नहीं है जुमा के ताल्लुक से आखिरी बात जुमा पाने के लिए शर्त है कि कम से कम दो रकातों में से एक रकात मिल जाए अगर कोई शख्स इस हाल में मस्जिद में आया है कि एक रकात हो चुकी है दूसरी रकात हो रही है और दूसरी रकात उसको मिल गई तो उसको जमा जुमा की नमाज मिल गई लेकिन अगर कोई शख्स इस हाल में मस्जिद में पहुंचा है कि पहली रकात भी खत्म हो गई दूसरी रकात भी खत्म हो गई वो रुकू के बाद या सजदे में या तशोहद में पहुंचा है तो उसको जुमा की नमाज नहीं मिली वो दोहराने के लिए दो रकात नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि चार रकात जोहर की नमाज पढ़ेगा तो जुमा की नमाज के लिए एक रकात मिलना ये ज़रूरी है अगर एक रकात भी नहीं मिला तो उसकी जुमा की नमाज नहीं बल्कि वो जहर की नमाज होगी ये अहम मसाइल थे जुमा के ताल्लुक से जुमा के फजाइल के ताल्लुक से जो मैंने आप हजरात के सामने किताब सुन्नत की रोशनी में बयान करने की कोशिश की है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हजरा को भी जुमा की अहमियत और उसकी फजीलत को समझने की और उसको हासिल करने की अल्लाह हम सबको तोफ़ी नायत फरमाए अल्लाह तबारक वाली हम सबको जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे और खात्मा हो तो ईमान बिल ख़ैर पर हो अल्लाह हम सब के मरीज़ों को शिफाए कामिला और सेहत आज़ला इनायत फरमाए और मरहूमीद की अल्लाह ताला मफ़रत फरमाए कारोबार में रोज़ियों में अल्लाह बरकत अत फ़रमाए जिन मुश्किलात और मसाइल से इस वक्त उम्मत दो चार है अल्लाह तमाम मुश्किल को और उन मसाइब को दूर फरमाए अपनी रहमत से अपनी मफफ़रत से अल्लाह तला हमारे घरों में हमारी दुकानों में हमारी हमारे ऑफिसों में कारखानों में कंपनीों में अल्लाह बरकत फरमाए अल्लाह तबार व तआला हम सबको दीन की फ़िक्र करने की तौफीक तो नायत फरमाए खैर का जज्बा हमारे दिलों में अल्लाह ताला पैदा फरमाए और बुराई से और गुनाहों से हर कदम हर लम्हा अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक तो नायत फरमाए आमीन